नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक और महारानी तो दूसरी ओर बहुरानी, एक के सम्मान के लिए आज दूसरे का अपमान किया जा रहा है। बात हो रही है पद्मावती विवाद की, जिसके सिर्फ एक गाने पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के डांस पर घमासान मच गया। क्षत्रिय अस्मिता की दुहाई देने वाली करणी सेना नाराज है, क्योंकि एक निजी कार्यक्रम में अपर्णा यादव ने दीपिका का घूमर डांस कर दिया। सवाल उठता है कि क्या मर्यादा के मापदंड रानी और बहुरानी के लिए अलग अलग है। आज अपर्णा वो डांस, वो कपड़े पहन करके लटके झटके कर रही है। कल ब्रिटेन में रिलीज होगी तो ब्रिटेन के वहां के लोग लटके झटके करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, ये नचनिया का रोल है, ये नचनिया का जो रोल है ये नहीं होना चाहिए। आप भारतीय नारी हैं, ऐसा काम मत करें। परिणा जी से कहना चाहता हूं, और फिर भी वो नहीं मान रही है तो उनको भी मैं नचनिया की वो संज्ञान दूंगा, वो भी नचनियाओं में शामिल हो जाए, ये राजनीति का फंदा छोड़ दे। अपर्णा यादव एक ऐसे परिवार जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक महत्व रखता है। अगर उस परिवार से जुड़ी हुई एक महिला एक ऐसे गाने पर नृत्य करती है जो कि एक कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करता है, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। करणी सेना की दुखती रख ये भी है कि मुलायम की बहू अपर्णा यादव राजपूत परिवार से आती है। इसके बावजूद शादी के समारोह में घूमर सॉन्ग बजा, इस पर डांस किया गया। करणी सेना और राजपूत समाज को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी डांस पर है। उनकी दलील है कि रानी पद्मावती इस अंदाज में, इस तरह के कपड़ों में डांस कर ही नहीं सकती। अपमान का पैमाना अलग अलग कैसे हो सकता है किसी रानी के लिए और किसी और महिला के लिए जो इस वक्त बहुरानी है मुलायम सिंह यादव की। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, जाने माने अभिनेता, सीधे इस वक्त गुड़गांव से जुड़ गए हैं। नावेद सिद्दीकी जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। धीरज सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन ठाकुर अभिषेक सोम जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के, स्टूडियो में हमारे साथ है। और शाश्वत तोमर जी हमारे साथ हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इसी अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के। मेरा पहला सवाल अभिषेक सोम आपसे है, वो खुद भी अपर्णा यादव एक राजपूत हैं और उनको उसी गाने पर डांस करने में कोई भी परेशानी नहीं है जिस पर आप लोगों ने बवंडर मचा दिया है, क्योंकि आपने भी फिल्म तो देखी नहीं है, आपने यही प्रोमो देखकर, यही उसका ट्रेलर देखकर हल्ला मचा दिया है कि रानियां नाचती नहीं थी और इसलिए ये डांस गलत है। उसी पर एक राजपूत लड़की आज नाच रही है और आप ही के क्षत्रिय समाज से, कोई करणी सेना से कहता है कि बन जाए नचनिया, आपके लिए पैमाना अलग है क्या औरत की इज्जत का? देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। दीपिका पादुकोण अभिनेत्री ने रानी माँ पद्मावती पर यह नृत्य किया, के ये भी उसी गाने पर कर रही है, नहीं, फिल्म के ही गाने किया पर। उन्होंने फिल्माया। और ये किसी परिवार की बहू है, घूमर जो डांस है वो सभी राजपूतों में होता था, पर रानियां कभी समाज के अंदर कभी पब्लिकली नहीं आती थी, नृत्य करती थी, तो वो एकांत में करती थी। माफी मांगिए, अगर कोई इनको नचनिया कहता है अपर्णा यादव को, तो आप माफी मांगिए। देखिए, आप बोलिए कि वो गलत कह रहे हैं। ये दोनों विषय से भटकाने का, ये दोनों विषय अलग हैं। हमारा केवल उद्देश्य, हमारी लड़ाई, हमारी आस्था धर्म के, जो हमारे से जो खिलवाड़ किया है, संजय लीला भंसाली से, हमारा मापदंड नहीं है, दो नहीं है, दंड दो रहे। देखिए, उन्होंने दीपिका पादुकोण पर हमला करना आपको सूट करता है? ऐसा नहीं है, आपको सूट करता क्या है? क्या उन्होंने दीपिका पादुकोण ने नाच रही हैं और दो लोग क्षत्रिय समाज को, जो क्षत्रिय समाज को जो ठेस पहुंचाई है, जवान लड़खड़ा रही है? नहीं नहीं, आज हमारी जवान नहीं लड़खड़ा रही है, आज हम ये कह रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण, संजय लीला भंसाली ने जो क्षत्रिय समाज को जो ठेस पहुंचाई है, उस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा और अभिषेक सोम ने उस पे इनाम ठोका था सर कलम करने पर, और आज भी हम कायम है इस बात पर। नहीं तो ये जो कह रहे हैं कि वो नाचने वाली बन जाए, पॉलिटिक्स छोड़ के, ठीक है, देखिए ये बोलिए, विषय से भटकाने के लिए, यह राजपूतों को विषय से भटकाने के लिए एक षड्यंत्र हो रहा है। ये कौन कर रहा है? नहीं, हो सकता है इसमें फिल्मी दुनिया के लोग हो, राजनीतिकरण हो रहा है इसका, जबकि हमारा मुद्दा अपनी आन बान शान के लिए। आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज ही भट गया? देखिए,
मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, करनी सेना के हमने तीन लोगों की आपको बाइट सुनी, और करनी सेना के ही जो पदाधिकारी हैं उनकी भी आपने बात सुनी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोग बट गए हैं अब इस विषय में? नहीं, ये क्षत्रिय समाज को जो बांटने का काम फिल्मी दुनिया कर रही है, इसको हम कतई नहीं होने देंगे। और आज मैं आपको आपके मंच से बता देना चाहता हूं, जब संजय लीला भंसाली की जो माँ है, जिनका नाम लीला भंसाली है, जब हम उनके ऊपर क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा उनके ऊपर लीला द लैला के नाम से पिक्चर बनाएगा और उसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हम अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजते हैं कि उसमें वो लैला का रोल किरदार करके निभाएं, जब जाके संजय लीला भंसाली को पता लगेगा कि क्षत्रिय समाज को या किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने का क्या आप जो बोलते हैं सर, आप अपने आप को सुनते हैं? आप सुनते हैं खुद? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप, इससे क्या हो जाएगा, इससे किसी का क्या बिगड़ जाएगा? देखिए, हमारा समाज, मुकेश त्यागी जी भी कह रहे थे कि बनाइए फिल्म, आपको बनानी है कि चीखने का? हम बिल्कुल बनाएंगे और इसको हम बना के पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि वो आम से खास कैसे बनी, उनका जीवन, उनके जीवन चित्रण को हम बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि संजय लीला भंसाली की जो माँ है, लीला भंसाली वो आम से खास कैसे बनी। देखिये सब्जेक्ट यहाँ पर मुकेश त्यागी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बोलिए। अभिषेक जी, मेरा आपसे अनुरोध है, अभिषेक जी मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रतिशोध की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ऐसा ये प्रतिशोध कभी खत्म नहीं होता और इससे समस्या का हल भी नहीं होगा। प्रतिशोध आप जैसे लोगों की वजह से खत्म नहीं होगा, जो हमारे अंदर आपने आग लगाई है। क्या भारत की सरकार को ये नहीं दिखाता कि राजपूत समाज ने पुरजोर से विरोध करा था, फिर भी आपने इस देश को आज विस्फोटक स्थिति में ला दिया है। और हम जब तक हमारे शरीर में एक एक रक्त की बूंद है, एक एक अंग जब तक युद्ध भूमि में विषाक्त नहीं हो जाता, हम लड़ाई बिल्कुल पुरजोर से करते रहेंगे। तो आप ही बोलते रहिए प्रोग्राम में, हमें बोलने अगर आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया है तो आप हमें बोलने का मौका तो दीजिए। अरे भाई सोम साहब, अगर आपकी वाणी में बहुत जोर है, आपके विचारों में बहुत जोर है, लेकिन जरा दूसरों को भी बोलने का मौका देगी, ये भी हमारा प्रजातांत्रिक राइट है। आप उसे भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ, आवाज के दम पे आप हमारे जो प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति उसको आप नहीं खींच सकते। कल तो आप केवल आपके शादी हो रही होगी, आप कहेंगे उसमें कहीं घूमर डांस तो नहीं हो रहा। सुन तो लीजिए, आप तो हर जगह ताला लगाने के चक्कर में कि उसने क्यों डांस किया, अर्पणा ने क्यों डांस किया, उसने अपनी भाई की उसमें शादी में डांस किया, कल कोई मोबाइल पे घूमर का डांस देख रहा होगा तो आप कहेंगे इसके मोबाइल तोड़ दो। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। देखिए ऐसा है, ये गाना ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और जो भी आन बान शान या जो भी उसमें वीरांगनी का परिधान होता था उसपे अगर डिपार्चर हुआ है या कलर हुआ, पहले तो मैंने देखा नहीं कि पद्मावती कौन से परिधान पहन करके नृत्य करती थी। दूसरा, उसमें कोई पुरुष नहीं है जिससे मैं डांस हो रहा है, उसमें सिर्फ राजा रतन सेन आए हुए हैं और बाकी कोई पुरुष की परिस्थिति नहीं है, कोई सार्वजनिक डांस नहीं हो रहा है। तो अगर ये डांस ऑलरेडी पब्लिक में आ चुका है, अब आपकी हानि जो होनी वो हो चुकी है। पूरी जिम्मेदारी से ये मूवी बनाई है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से, हिस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं करी। आप संवेदनशीलता को समझ रहे हैं इस मैटर के, समझ रहे हैं आप इसकी संवेदनशीलता को? नहीं, सड़क पे राजपूत खड़ा हुआ है, आप इसको डिफेंड कर जा रहे हैं इंडस्ट्री को, इनकी आदत नहीं हो गई है, पूरी इंडस्ट्री की आदत नहीं हो गई है आपके, एक के बाद लगातार वो हमेशा एक पर्टिकुलर समुदाय की भावना से कहते रहेंगे। आपको लगता है इस पर्टिकुलर इशू पे आपका ट्रेलर ऑलरेडी पर्टिकुलर इशू पे राजपूत चुप बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। अब आप ये बताइए कि आप किसी नहीं, मुझे आप ये बताइए, आप किसी भव्य परिवार के लिए, मुलायम सिंह यादव एक वर्चस्व नेता है, उनकी पत्नी को आप नर्सगी कहेंगे? ये शोभा देता है? इशू क्या है इसे समझ लीजिए, इशू ये है कि जो इंडस्ट्री में चलती आ रही है रवायत, ये बंद हो जाएगी 101% और नहीं बंद होगी तो हम जानते हैं इसे कैसे बंद कराना है, हम जानते हैं इसे कैसे बंद कराना है। सिद्दीकी जी, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं वो सरासर गलत है और डिफेंड इस मामले में नावेद सिद्दीकी जी। जी अंजना जी, तीन लोगों की हमने बात सुनाई है, सब अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैमाना इनका अलग दिखता है जब ये सम्मान खोजते हैं किसी रानी के लिए और जब वही अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आज की औरतों के लिए। जी अंजना जी, देखिए ऐसा है कि आपकी डिबेट का ये मुद्दा आज बहुत अच्छा है
और आपके करोड़ों फैंस हैं और इस वक्त पूरा कई लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप काफ़ी लिटरेट हैं और शेर भी समझती होंगी, और ये लोग जो बैठे हैं आपके ज़रिए इन तक एक शेर पहुंचाना चाहता हूं कि बात चाहे बेसलीका हो मगर, बात चाहे बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। तो जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल आजकल हो रहा है पद्मावती के प्रोमो से, खाली प्रोमो से अभी इस तरीके की बातें हो रही, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी। और सबसे पहले तो अपनी सबसे पहले तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, सबसे पहले तो सामने वाला खड़ा देखिए अंजना जी, पहले ये बताएं कि हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। भाई देखिए ऐसा ऐसा पहले एक एक करके ये देखिए एक एक करके सुनिए, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारता। एक बार वो बात पूरी अंजना जी सुन लीजिए, बात पूरी कर देखिए। अब दीपिका जी की पहले गलती बताइए कि इसमें दीपिका जी की तो कोई गलती नहीं है, वो एक एक्टर है, उनको कोई भी रोल मिलेगा वो रोल करेंगी। दूसरी चीज हम आते हैं महिला की सुरक्षा की बात हम करते हैं, महिलाओं की उनके पास ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान हमारे देश में किया जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है, महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। किसने आपको कहा कि कोई कह रहा है आपके यहाँ से सुन तो लीजिए मेरी, दो मिनट इनका माइक बंद करवाइए, पहले दो मिनट इनका माइक बंद करवा दिए, जो हमारे समाज को जी दो मिनट बात तो पूरी कर लीजिए प्लीज, ऐसे तो मत कीजिए आप, बोलिए इनको हमारे देश में अंजना जी इनको हक और इनके लोगों को हक किसने दिया कि कोई कह रहा है दीपिका पादुकोण का सर ले आओ तो 8 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है नाक ले आओ तो 5 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है गर्दन लाओ तो 3 करोड़ देंगे। पहले तो ये बताएं कि ये नारी का सम्मान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप इनकी बातों से छलक के चीजें नजर। राम कदम जी, जिनकी भावनाओं का झंडा बुलंद करने के लिए आप निकले थे, आपने कहा था कि फिल्म पर कोई फैसला होना चाहिए, वही आज अपर्णा यादव से लेकर दीपिका पादुकोण सबका अपमान कर रहे हैं, नाचने वाली जैसे शब्द, मुलायम की बहू वर्सेस करणी सेना, ये इसलिए क्योंकि आपने सुना किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपको दिखाते हैं, दरअसल अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की आज अपना वो डांस वो कपड़े पहन करके लटके झटके कर रही है, कल ब्रिटेन में रिलीज होगी तो ब्रिटेन के वहां के लोग लटके झटके करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, ये नचनिया का रोल है, ये नचनिया का जो रोल है ये नहीं होना चाहिए। आप भारतीय नारी हैं, ऐसा काम मत करें, परिणा जी से कहना चाहता हूं, और फिर भी वो नहीं मान रही है तो उनको भी मैं नचनिया की वो संज्ञान दूंगा, वो भी नचनियाओं में शामिल हो जाए, ये राजनीति का फंडा छोड़ दे। अपर्णा यादव एक ऐसे परिवार जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक महत्व रखता है, अगर उस परिवार से जुड़ी हुई एक महिला एक ऐसे गाने पर नृत्य करती है जो कि एक कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करता है तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इन्हें इस बात में शर्म नजर आती है कि वो नृत्य कर रही हैं, लेकिन इन्हें इस बात में शर्म नहीं आती है कि करणी सेना के ही अध्यक्ष और संयोजक दोनों ही अपर्णा यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं बहस को आगे ले जाऊं, राम कदम जी मैं आपके पास आना चाहती हूं, जिस करणी सेना की भावनाओं के लिए आप खड़े हुए थे वही करणी सेना आज अभिनेत्री से लेकर एक नेता के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप खुले मंच से कहेंगे कि ये गलत है। राम कदम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी खराबी फिर से आ गई है, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आप दोनों से मेरा ये, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, वो ऐसी भाषा कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये भटकाने के लिए है, तो क्या अब हम माने कि आप लोग बट गए इस विषय पर? देखिए, यह संजय लीला भंसाली और फिल्मी दुनिया में जो रह रहे निर्माता है उनकी एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो जो देश के यही तो मुद्दा है। अपराधी कौन है? अपराधी संजय लीला भंसाली है, दीपिका पादुकोण है,
मैं कुछ कहना चाहूंगी अंजना जी। आ रही हूँ ठाकुर जी, यही तो दिक्कत है ना, यही पहले दिन मेरा सवाल था कि किस किस को वो पिक्चर दिखाए। आज करनी सेना दूसरी भाषा बोल रही है, क्षत्रिय समाज के आप आए हैं यहाँ पर, आप अलग भाषा बोल रहे हैं, तीसरा व्यक्ति तीसरी अलग भाषा बोलता है, फिल्म किसको दिखाई जाए? देखिए आज आप खुले मंच से फिर कहिए ना कि करनी सेना गलत है, जिस तरह से वो अपर्णा यादव का अपमान कर रही है वो कर रहे हैं वो गलत है। फिर मैं आपसे को डाइवर्ट कर रही हूं, फिर आप डाइवर्ट, फिर मैं आप छिपते हैं, ये मां पद्मावती के आत्मान सम्मान की राजपूतों के जौहर की बात है, आप इस चीज को घुमाकर दूसरी तरफ फोकस कर रहे हैं। करनी सेना बोल रही है, सरासर गलत है अंजना, ये करनी सेना बोल रही है, ये आप गलत कर रहे हैं, समाज को बांटने की साजिश की जा रही है, फोकस वो है ही नहीं, ये करनी सेना बोल रही है। हमारा विरोध आप समझ लीजिए, हमारा विरोध कहाँ है, हमारा विरोध है फिल्म के अंदर डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, उसे राजपूत समाज किसी कंडीशन पे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये आप हमारा विरोध है ना, अपर्णा यादव का ये घूमर डांस आपको लग रहा है ना कि अपने पर्सनल स्पेस में कोई कुछ भी कर सकता है? पर्सनल स्पेस में कर सकता है, लेकिन अगर उन्होंने खुलेआम किया है तो आई डोंट एग्री विद दिस आल्सो। क्या अगर उन्होंने ये खुलेआम किया है अपने भाई की शादी में किया है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, 100% गलत है। जिस चीज पे इतना बड़ा बवाल उठ रहा है पूरे देश के अंदर, उस पे ये काम कर रही है, इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो ये उनकी तरफ से हमारी भावनाओं को आहत करने वाली एक, अभी आधे घंटे में आप दो बार पलट गए, नहीं अभी आधे घंटे में छह बजे जब बहस शुरू हुई थी आपने कहा था कुछ गलत आपको नहीं है। बता देना चाहता हूं, साढ़े छह होते हैं कि शादी में डांस करना गलत नहीं है, हमने ये कहा कि जिस मुद्दे पे इतनी भावनाएं भड़की हुई हैं, नहीं राजपूतों की कुलीन परिवारों की बहुएं कौन सा नृत्य करती थी घूमर, ये बताइए। राम कदम जी अब हमारे साथ, प्राची मैं आपके पास लौट रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ मैं आपके पास। राम कदम जी बड़ी मुश्किल से लगातार कनेक्शन आपसे कट जा रहा है। राम कदम जी मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस करनी सेना की भावनाओं के लिए आप खड़े हुए थे, आ रही हूँ सिद्दीकी साहब, करनी सेना की भावनाओं के लिए आप खड़े हुए थे, वही आज दीपिका पादुकोण से लेकर अपर्णा यादव के लिए गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, नाचने वाली से लेकर तमाम चीजें, आपको लगता है कि ये सही है या फिर आज आप निंदा करेंगे इस मंच से इनकी? अंजना जी, दो इसके अलग अलग विषय है। एक तो पहला विषय ये है कि इस प्रकार के शब्दों का समर्थन कोई कर नहीं सकता। इन जो भी बातें हुई है उस बातों से मैं असहमत हूँ, हिंसाचार का या नारियों के साथ अपशब्दों का मैं समर्थन नहीं करूँगा। पर इसके साथ साथ अपर्णा यादव एक सक्षम नेता है, एक राजघराने के परिवार से है, उसको समझने की आवश्यकता है कि जब पूरे देश में इस बात को लेकर के लोग पीड़ित हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति ने थोड़ा कहीं पे संयम बरत करके काम करने की आवश्यकता है। उनको स्वयं पता है कि दिन रात टीवी पर चल रहा है, सब जगह पर चल रहा है, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, तो इस गाने से लेकर के लोगों के मन में सिद्दीकी जी जवाब दीजिए, आशंका है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, महारानी पद्मिनी इस प्रकार से नृत्य नहीं कर सकती, महारानी पद्मिनी इस प्रकार से नृत्य नहीं कर सकती, ऐसी लोगों की भावना है, तो उन्होंने संयम बरत करके काम करना आवश्यक था। नावेद सिद्दीकी जी देखिए, पहले इनको ये समझना चाहिए कि ये संगीत है और एक फोक है, ये फोक म्यूजिक पे डांस किया गया है और डांस भी किया गया है अपने निजी परिवार की एक पार्टी थी उसमें किया गया, और हर एक को हक है, अगर अपने भाई की शादी में कोई खुशी नहीं मना सकता है तो इनसे पूछ करके डांस करेंगे या मनाएंगे अपने घर की खुशियां? और ये तो फोक पे डांस किया है, इसमें कहीं पद्मावती तो है नहीं, इसमें कहीं पद्मावती कहां है ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, जब आप राजनीति आप करते एक चीज अंजना जी एक चीज ये पूछ लीजिए कि हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है सेंसर बोर्ड, आप सेंसर बोर्ड अगर फिल्में पास कर रहा है और आज आज ये ग्रुप खड़ा हुआ कर तो दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भाई ठीक है, एक करके राम कदम जी का क्या मतलब हुआ? राम कदम जी स्वाभाविक सेंसर बोर्ड में क्या मतलब हुआ? मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये बताइए, सुन लीजिए सिद्दीकी साहब, कदम साहब आप नहीं, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, जितने लोग बैठे हैं सब दानिश्वर लोग हैं, मैं एक बात बता दूं, ये जो फिल्म की कंट्रोवर्सी, स्वाभाविक रूप से किसी भी चिंगारी निकली है, देखिए मेरी बात सुने आप, चलिए आप ही सुना दीजिए सर, हम लोग सुनने की आदत है सुन लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं संगीत, नहीं नहीं सुने आप मेरी बात, संगीत के ताल पर किसी के भी पाँव थिरकना ये बड़ा स्वाभाविक है, और अपर्णा जी ने जो नृत्य किया उस नृत्य के विषय में कोई मैं आपत्ति नहीं जताऊंगा,
पर बहुत अच्छा होता कि वो जिस प्रकार के राजनीतिक कद पर है, तो ऐसे राजनीतिक कद वाले व्यक्ति कौन से गाने पर लोगों के लोग उस गाने से व्यथित हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, राजनीतिक पद के ऊपर ठेच पहुंची, एक सुन लीजिए, तो यदि उस गाने पर नृत्य राजनीतिक पद के और ज्यादा अच्छा होता, यही मैं कहना चाहता हूँ। अपर्णा जी, आप अपर्णा जी पे बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, राजनीतिक पद के ऊपर हमारे देश की एक बहुत बड़ी नृत्यांगना, बहुत अच्छी आर्टिस्ट फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी एक पार्टी की सांसद हैं, अभी भी जाकर के झांसी महोत्सव, आगरा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, अपने शोज परफॉर्म करती हैं, अभी भी परफॉर्म कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि अपर्णा जी को नृत्य नहीं करना चाहिए? घूमर डांस नहीं करती, घूमर करते हैं साहब, कमाल करते हैं, किया जाता है, पहले फोक म्यूजिक समझिए जाके, फिर आके बैठ के चैनल पे अपनी बात बताइए, हमें बात बताइए। घूमर नृत्य एक पर्टिकुलर समाज के लोग करते हैं, वो राज घरानों में और अभी भी डांस करते हैं, वो ओपनली डांस करते हैं, उनका काम है, वो घूमर नृत्य वही लोग करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पूरा देश क्षत्रिय समाज की आस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए उनके धर्म और आस्था संस्कार और मान्यताओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है और विषय को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, राजपूत समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और यह कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका इसके मेन अपराधी, इसका असली अपराधी संजय लीला भंसाली दीपिका पादुकोण है, और उनको सजा मिलनी ही चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्राची अनेकों नृत्य है और पूरे भारत वर्ष में किए जाते हैं। एक समाज का विशेषाधिकार यही कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसने कैसे हिम्मत की, ये सही है? देखिए, जब मामला तूल पकड़ रहा हो और एक व्यक्ति राजनीति, उसका राजनीतिक कद या उसके परिवार का काफी बड़ा हो और लोग जिसपे, जी हाँ, वो खुद भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, अगर मैं अभी इस समय जाके घूमर करूंगी या कोई डांस करूंगी तो लोग कहेंगे कि तुम एक राजपूत लड़की हो, तुमने भावनाएं आघात करी है। चलिए मान लीजिए मेरे घर में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनकी भावनाएं आघात हो जाती है, तो मैं अकेले नहीं हूँ, पूरा समाज है, उस समाज को कैसे मैं हर्ट कर सकती हूँ, बताइए। चलिए, यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि अपमान का दो अलग अलग पैमाना कहीं से नहीं हो सकता है। बहरहाल, हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, YouTube पर जाकर न्यूज तक चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडियो में ब्रेक के बीच में किस तरह की बातें होती हैं या फिर अलग अलग वीडियोस, 40 सेकंड वीडियो पार्ट, जिसके जरिए आप हर बड़े नेता को सुन सकते हैं, आपको मिलेगा सिर्फ इसी YouTube चैनल पर। न्यूज तक सब्सक्राइब करें, देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।